पूर्वी दिल्ली के नारकोटिक सेल ने एक ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के एंटी नारकोटिक के टीम में एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से करीब 5.6 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। आरोपी की पहचान अजय कुमार जवार मोल्ला पड़पड़गंज पांडव नगर के रूप में हुई है। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए एक टीम गठित की गई थी। टीम का नेतृत्व एसीपी पंकज अरोड़ा कर रहे थे और इंस्पेक्टर गौरव चौधरी भी इसमें शामिल थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली, उसी के आधार पर पुलिस टीम ने शशि गार्डन से कल्याणपुरी दिल्ली जाने वाले कोटला रोड पर पॉकेट 5 मयूर विहार फेस 1 के गेट नंबर 2 के सामने जाल बिछाया और अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 5 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ। थाना पांडव नगर में उपयुक्त धारा के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी अजय कुमार इलाके का घोषित बीसी है और पहले से 11 अन्य मामलों में शामिल है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।